ओके okay, सो so ये वीडियो हमने हिंदी में बनाया है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में तो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम में ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉटिसोल होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्चुअली कॉटिसोल का प्रोडक्शन कराता है ग्लूकोकॉटिकॉइस का तो इसमें एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ कॉटिस होता है इसके वजह से तो यहाँ पर आप नेक में देख सकते हो वेलबेटी अपेयरेंस है तो ये स्किन पिगमेंटेशन बोलते हैं ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं ये एक साइन होता है प्री डायबिटीज का दैट मीन्स कि पेशेंट को आगे चल के डायबिटीज़ होगा दूसरा चीज़ है थिक पर्पल स्ट्राई ये भी आप चीज़ देख सकते हो कि पर्पल स्ट्राई मार्किंग होती है पेट पे तो ये जो पेट पे जो आ, मार्किंग होती है ये एक फ्रजाइल स्किन जो जब स्ट्रेच होती है जो वेनस ब्लड होता है डर्मिस में ये एपरेंट होने लगता है और ये इम्पार्ट कर देता है रेडिश पर्पल ह्यू में तो इसलिए इतने रेडिश टाइप का पर्पल टाइप का आपको एक कलरेशन मिलता है पेट पे ठीक है तो ये सब फीचर्स होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के ये पेट में एबडामिनल ओबेसिटी होती है और फिर उसके बाद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है कैंथोसिस नैग्रिकेंस मिलता है थिक पर्पल स्ट्राई है ये चीज़ है और जो दूसरे सिम्टम्स दिखेंगे वो होते हैं कि हाथ पैर जो होते हैं वो एकदम थिन हो जाते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि कॉर्टिसोल जो हो रहता है वो ब्रेक डाउन कराता है प्रोटीओलाइसिस कराता है प्रोटीन्स के डाउन होते हैं उसकी वजह से हाथ पैर थिन होते हैं ईजीली ब्रूज होना स्टार्ट हो जाता है और ये बफिलोहम्प होता है इसमें फैट का डिपोजिशन होगा पीछे नेक के पास ओके okay? एंड और दूसरी फीचर्स अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें मून फेसिस मिलते हैं मून लाइक फेस मतलब कि इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होगा चेहरे पे कि वो एक चांद की तरह चेहरा दिखेगा मून फेसिस ठीक है तो इसके अलावा और क्या क्या, -क्या सिम्टम्स मिलेंगे स्कैल्प में थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर होगा एक्ने मिलेगा और फेशियल हेयर इंक्रीज होगा जिसको हर्सटिज्म बोलते हैं कार्डिक हाइपरट्रोफी हाइपर होगा एंड uh, उसके बाद uh, ट्रंकल ओबेसिटी है स्ट्राई ऑन द स्किन फिर ब्रूज बहुत जल्दी होगा कोई भी को, हल्का सा भी अगर उ, न, चोट लगेगी तो उसमें ब्रूजिंग होना स्टार्ट होगा तो ये आप देख सकते हैं ये पेशेंट सेम पेशेंट का है बिफोर एंड आफ्टर मतलब पहले कुशिंग सिंड्रोम था फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ अच्छे से एडिनेटोमी हुआ फिर उसके बाद बाद में आप देख सकते हैं कि कितने डिफ्रेंसेस हुए तो ये था ऑल अबाउट कुशिंग सिंड्रोम ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग